अभी ये विंटर का सीजन है, विंटर के सीजन में बहुत सारे क्रॉप, जैसे आपको पता ही है रबी एंड खरीफ क्रॉप, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने बुक में पढ़ी होगी। तो उसके लिए हमारे एनर्जी के लिए और वहाँ पे अग्नि देवता की पूजा करने के लिए हम वहाँ पे लोरी, वहाँ पे ये त्योहार मनाते हैं। लोरी ये त्योहार मोस्ट ऑफ द पूरे इंडिया में ही मनाया जाता है और मोस्ट ऑफ द पंजाब में ये खास तौर पे मनाया जाता है। वहाँ पे जो गेहूं होता है वो पीस के वहाँ पे अग्नि देवताओं को उसको भोग चढ़ा के, हमने ग्राउंड में से कुछ तैयारी की है, जैसे होली जलाते है ना, तो ये क्या है, कितनों को पता चला कि हम क्या कर रहे हैं? अभी किसी को पता है? इधर आओ, हाँ तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं? लोहड़ी, खिचड़ी और खिचड़ी मनाई जाती है और इस दिन हम पतंग उड़ाते हैं और खिचड़ी खाते हैं। आदर्श, चलो आदर्श हमारे लिए आदर्श बनेगा, मतलब लोहड़ी इसलिए मनाते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो। अच्छी हो, गलत, यही तो बात है कि हम सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है। लाइव एग्जांपल अभी मैडम लोगों ने बोला, अभी मैंने सुना, वहां पे मेरे कान तेज है, ज्यादा लग रहा है, आप लोगों को थोड़े वीक हो गए कान है, हर रोज सुन सुन के। आ जाओ बेटा तुम आओ, क्या नाम है तुम्हारा? आलिया, चलो आज बहुत लोग स्टेज पे आएंगे, हम सबको मौका देंगे स्टेज पे आने का। लोरी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि नई फसल आती है। वेरी गुड, क्या आता है? नई फसल, गेहूं अभी रेडी हो जाते हैं, गेहूं का जो धान होता है ना पंजाब में ज्यादा होता है ये, और इस दिन वो सब चालू करते हैं पाक को काटना, और पहले उसको अग्नि के सामने रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। संक्रांत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, अंडरस्टैंड? मैडम ने उसके बारे में आपको बताया है। और सिर्फ और सिर्फ ये फेस्टिवल काइट का और डोरी का नहीं है, इस दिन से हवाएं भी बदलती है, चेंज होती है, इसकी वजह से पतंग उड़ाते हैं, अंडरस्टैंड? सब समझ गए? चलो अब क्या करना चाहिए, क्या करे बोलो, पहले लोहड़ी मनाए या पतंग उड़ाए? वेरी गुड, चलो अब सबका ध्यान हो गया है यहाँ पे, ऐसे ही सब यहाँ पे ना एकदम अटेंटिव रहने का। और घर जाके क्या बताओगे, हमारे स्कूल में क्या हुआ आज, क्या हुआ? लोहड़ी जलाए और पतंग उड़ाए, और सोमवार को थक जाओगे ना तो छुट्टी, ओके? तो सब कान छोड़ के सुन लो, हमारी तरफ से आपको सोमवार को भी छुट्टी, दो दिन पतंग उड़ाना और तीसरे दिन स्कूल आ जाना। पर एक ध्यान रखना, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बस 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 ना, बहुत हो गया। चलो अब दूसरी बात सुनो, पतंग उड़ाते टाइम कोई पतंग लूटने के लिए रास्ते पे नहीं भागेगा, अंडरस्टैंड? गाड़ियां आती है, कुछ घटना हो जाए ना हो जाए वो भी हम ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, रास्ते पे हम कोई पतंग नहीं उड़ाएंगे, क्यों नहीं उड़ाएंगे? गाड़ियां आती है, गाड़ी चलाने वाले जाते हैं रास्ते से, और जो आप डोरी रखते हो ना उससे क्या होता है पता है ना, गला कट जाता है, तो हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो वो भी हम ध्यान रखेंगे। और स्पेशली पंछियों का, बर्ड, बहुत सारे पंछी उस दिन कट जाते हैं, उनके पंख कट जाते हैं, तो हम ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, अंडरस्टैंड? और घर पे जाके अपने बड़े भाई बहन जो और मनाते हैं उत्तरायण, इनको भी ये बात बताएंगे कि रास्ते पे नहीं जाना है, रास्ते के आजू बाजू में भी पतंग नहीं उड़ाना है, घर की छत पर, और वो भी जिसकी छत पक्की हो वही चढ़ेगा, बराबर? पत्थरों के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं वरना फिसल जाएगा। ग्राउंड से चलो या पक्की छत पे टेरेस पे जाके, ओके? और एक ही दिन का छुट्टी है, ट्यूजडे से वापस स्कूल आना है, चलो तो फिर हम लोहड़ी मनाते हैं। थैंक यू।
है।